AI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बताएंगे। अगर आप लोग CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल न्यू कोर्स में एग्जाम देना चाहते हो मई-जून 2024 में, तो ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा, अदरवाइज आपके मन में डाउट आ जाएगा। कंटिन्यूअस इसके रिगार्डिंग में डेली मेरे पास 30 से 40 मैसेज आता है। वीडियो पूरा देख लोगे तो आपका डाउट ही क्लियर हो जाएगा, तो डाउट आएगा भी नहीं। समय नहीं है स्टूडेंट्स, जल्द से जल्द आप लोग ये काम करोगे, ध्यान से बातें को सुन लीजिए। मैं इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वीडियो देखते नहीं हो ध्यान से, या डाउट आता है मुझे समझ नहीं आता, ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा, अदरवाइज आपका टाइम बर्बाद होगा, आपको इसमें नुकसान है। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट नोट, जो लोग भी CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 का एग्जाम दे रहे हो, प्लीज वीडियो को स्किप कर दीजिए, देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ न्यू कोर्स, आप एग्जाम पे फोकस करें। अब जो भी स्टूडेंट CA फाउंडेशन का हो, इंटरमीडिएट का हो या फाइनल का, देखो नवंबर में तो इंटरमीडिएट एंड फाइनल का एग्जाम हो चुका है, और हाँ फाउंडेशन का जो लोग दिसंबर का एग्जाम ही नहीं देना चाहते चाहे कोई भी रीजन हो, तुरंत कन्वर्जन कर लीजिए। कन्वर्जन कैसे करना मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, प्लीज कन्वर्जन कर लीजिए। आप CA इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप का एग्जाम दियो, सिंगल ग्रुप का है कोई भी एक ग्रुप का एग्जाम दियो, या CA फाइनल का बोथ ग्रुप का एग्जाम दियो, या कोई एक ग्रुप का एग्जाम दियो, अभी तो पता नहीं रिजल्ट क्या होने वाला है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या करोगे, ऑटो कन्वर्जन का वेट करोगे ताकि आपके लिए समय बर्बाद हो, आपके लिए बैड न्यूज बन जाए। आप सोचते शायद कोई मुझे पहले बता दिया होता तो टाइम पे आप लोग कन्वर्जन कर लेते। कन्वर्जन करने से क्या मिलेगा, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम हो चुका है कन्वर्जन कीजिए। कन्वर्जन कर लोगे ना तो आपका जो कोर्स डिटेल जहाँ पे शो करा वो सीधा न्यू कोर्स में चल जाएगा। जैसे कि आज के डेट में आप CA इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे, नहीं कन्वर्जन किए होंगे CA फाइनल का, तो क्या हो जाएगा अगर आप लोग कन्वर्जन कर लोगे तो। ऑटो कन्वर्जन से आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि कन्वर्जन कीजिए। ऑटो कन्वर्जन से कुछ मिलने वाला नहीं है, समय का सिर्फ बर्बादी है कि आप रिजल्ट तक वेट करो, फिर उसके बाद ऑटो कन्वर्जन कैसे क्या होगा इसके बारे में अपडेट होगा, सीधा ऑटो कन्वर्जन हो जाए, उसके लिए बुक के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सब का अलग अपडेट आएगा, तो फालतू का समय बर्बाद करने से बेटर है कन्वर्जन कीजिए स्टूडेंट्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यही है, टाइम पे आप लोग कन्वर्जन कीजिए। जब आप कन्वर्जन करोगे ना तो क्या होगा, सीधा आप बुक ऑर्डर कर लोगे नहीं, सबसे पहले उसके बाद आपको कन्वर्जन स्टेटस चेक करना पड़ेगा, इसके रिलेटेड कोई भी मेल मैसेज नहीं आता। बार बार SSP पोर्टल पे जाकर के आप लोग कन्वर्जन स्टेटस चेक करोगे, जब देखो कि आपका कन्वर्जन कंफर्म हो चुका है, क्या इसके नेक्स्ट डे आप बुक ऑर्डर कर पाओगे, यही डाउट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बुक ऑर्डर करते समय कूपन अप्लाई नहीं होता, सबसे पहले कन्वर्जन कंफर्म हो जाएगा, इसके बाद 10 दिन आपको वेट करना है, इसके बाद कूपन अप्लाई होगा। क्या कूपन अप्लाई से रिलेटेड मेल मैसेज आता है, नहीं मेल मैसेज कोई आता, आपको आराम से बार बार डेली जाके करना होता है। मैं जिस भी स्टूडेंट्स का किया हूँ खुद बार बार चेक किया हूँ, तो आप लोग इतना परेशान क्यों होते हो, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया वीडियो में जो प्रोसेस है वो तो सब कुछ बता दिया हूँ आप लोगों को, प्लीज आप लोग रिलैक्स रहो, मेरा बात मान लो, ऑटो कन्वर्जन का वेट नहीं करना। लेकिन अगर आपको वेट ही करना है तो आपके मन में ये डाउट आता है ना, ये भी डाउट सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ऑटो कन्वर्जन कब होगा, रिजल्ट के बाद, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल नवंबर 2023 रिजल्ट के बाद होगा, CA फाउंडेशन दिसंबर 2023 रिजल्ट के बाद होगा, जो लोग पास नहीं करेंगे उनका ऑटो कन्वर्जन होगा, फाउंडेशन का मैं बात कर रहा हूँ, और जो लोग पास कर जाएंगे उनको तो इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो न्यू कोर्स रजिस्ट्रेशन होगा। और सेम यही है कि इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप का एग्जाम दिए, जो लोग पास नहीं करेंगे चाहे एक ग्रुप भी पास करेंगे उनको दूसरे ग्रुप के लिए ऑटो कन्वर्जन होगा रिजल्ट के बाद, बाकी मेरे हिसाब से पहले कर लीजिए, ये सब लफड़ा से बच जाओगे। अगर इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप अगर पास कर जाते हो तो कन्वर्जन होगा भी नहीं, आपको सीधा CA फाइनल न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेम CA फाइनल के साथ है, अगर आप लोग बोथ ग्रुप पास कर जाते हो तो ऑटो कन्वर्जन से आप लोग बच जाओगे, क्योंकि वहां पे क्या है कि वहां पे यह है कि आप सीधा CA ही बन जाओगे ना, और बाकी जो लोग नहीं पास करेंगे उनके लिए ऑटो कन्वर्जन होगा। तो इतना परेशान होने का बात नहीं है, आप लोग प्लीज अपना समय बर्बाद ना करो, अभी आप लोग एग्जाम दे चुके हो, क्या हो जाएगा 5 से 10 मिनट निकाल लोगे तो। डेली डाउट आप लोग पूछते रहते हो, ऑटो कन्वर्जन कब होगा, ऑटो कन्वर्जन कब होगा, मैं वीडियो बना बना के थक चुका हूँ, प्लीज आपके लिए भले के लिए बोल रहा हूँ, जल्द से जल्द कर लीजिए। कन्वर्जन कैसे करना, जब आप लोग कन्वर्जन में अप्लाई कर लोगे उसके बाद कन्वर्जन स्टेटस कैसे चेक करना, बुक कैसे ऑर्डर करना, सारे टॉपिक पे यूट्यूब पे एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने वीडियो बनाया आपको हेल्प करने के लिए, तो क्या आप लोग मेरा हेल्प नहीं कर सकते। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी एडिशनल डाउट हो और मुझसे पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो चार्टेड स्टडीज के इंस्टाग्राम पे। और हाँ, अभी मेरा हेल्थ उतना सही नहीं है तो मैं आप लोगों का मैसेज नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कल या परसों से आप लोगों का सारे स्टूडेंट्स का डाउट का रिप्लाई जाएगा, अभी भी जितना पॉसिबल होता है मैं डाउट का रिप्लाई करता हूँ। क्या आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कर सकते हो, एक बार फिर से बोल रहे हैं, चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिखिएगा,
अगर आप लोग ऑटो कन्वर्जन का वेट करोगे आपके लिए बैड न्यूज हो जाएगा, क्योंकि 2 मंथ तो वैसे ही इतना दिन बर्बाद हो गया, अब रिजल्ट के लिए वेट करोगे, रिजल्ट के बाद ऑटो कन्वर्जन कैसे क्या होगा, सीरियस का बुक कैसे क्या ऑर्डर करोगे, अभी तो मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है ना, उस हिसाब से आप लोग बुक ऑर्डर कर सकते हो, बुक तो कूपन तो अप्लाई होगा, बुक ऑर्डर करोगे सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट्स कन्वर्जन करने के बाद तो 500 पे करना होगा, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का स्टूडेंट्स, ये भी डाउट आता है भाई, अगर आप एक ग्रुप का बुक ऑर्डर करो या बोथ ग्रुप का करो 1000 ही रुपया लगेगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया, अब मैं मिलता हूँ।